अमित शाह पर शिवसेना का तीखा प्रहार। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना भाजपा आमने सामने। उद्धव ठाकरे का अमित शाह को कड़ा जवाब। 15 लाख और राम मंदिर भाजपा का जुमला। 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखे बयानबाजियों का दौर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव होने से पूर्व ही गठबंधन नहीं होने की स्थिति में अपने पिछले साथी दलों को हराने संबंधी अमित शाह के बयान पर हमला बोलते हुए शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि उनकी पार्टी को हराने वाला अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शिवसेना की मुंबई वर्ली में एक रैली हुई है, इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे और राम मंदिर बनेगा, यह महज भाजपा के जुमलेबाजी थे। अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने किसी से पटक देने जैसे शब्द सुने थे। आगे उन्होंने कहा कि शिवसेना को हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी लहर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शिवसेना ने अपनी यात्रा में ऐसी कई लहरें देखी हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के लातूर में एक सभा के दौरान कहा था कि अगर पिछले सहयोगी दलों से अगर हमारा गठबंधन हुआ तो हमारी पार्टी अपने सहयोगी दलों की जीत सुनिश्चित करेगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पिछले सहयोगियों को हराएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से पहले ही चुनाव के पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, जिससे बीजेपी का पर्दाफाश किया जा सके, जो हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहते हैं। ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किस प्रकार मंदिर निर्माण में बाधा डाल रही है, भाजपा हमें बताए। ठाकरे ने सवाल करते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी जैसी भाजपा की सहयोगी पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो राम मंदिर का निर्माण कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।